हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ डाटा एंट्री ऑपरेशन का पेपर, जो आपके कक्षा 12 में इस बार ओपन बोर्ड में आने वाला है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पेपर की। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास, पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रश्न क्या है भाई, आपको रिक्त स्थान भरने हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, जब आप कंप्यूटर सिस्टम शुरू करते हैं तब टास्क बार स्क्रीन के रिक्त स्थान भाग में प्रदर्शित होता है। आपको बताना है टास्क बार कहां पर प्रदर्शित होता है। आगे दूसरा क्या भाई, कीबोर्ड पर कौन सी कुंजी दबाकर नया दस्तावेज बनाते हैं। आपको क्या बताना है भाई, रिक्त स्थान में ये बताना है कि आप कौन सी कुंजी दबाओगे तो आपके पास क्या होगा भाई, नया दस्तावेज ओपन हो जाएगा। आगे हमारे पास क्या कह रहा है भाई, तीसरा कि टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का तरीका है। आपको क्या बताना है भाई, आपको शॉर्टकट की बताना है कि शॉर्टकट की से क्या होता है भाई, फॉर्मेट को क्या किया जाता है भाई, टेक्स्ट को फॉर्मेट किया जाता है। आगे हमारे पास चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, चौथा क्वेश्चन है कि समान पैराग्राफ में नया लाइन मार्क डालने के लिए शिफ्ट के साथ क्या दबाएं। तो ये आपको रिक्त स्थान में बताना है। आगे, यदि आपको सेल की सामग्री को कम दूरी पर स्थानांतरित करना है तो उसकी विधि कौन सी आसान है, यह आपको विधि रिक्त स्थान में बतानी है। आगे हमारे पास छठा एग्जांपल क्या है भाई, चलते हैं छठे एग्जांपल की तरफ। तो छठा क्या आपके पास एग्जांपल, छठा एग्जांपल है कि कॉलम की चौड़ाई के अंदर सामग्री समायोजित करने के लिए कौन सा फीचर का उपयोग आप करोगे। ये तो है भाई कि कौन से फीचर का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि कॉलम की चौड़ाई के अंदर क्या करना है भाई, हमें समायोजित कोई दूसरी सामग्री करनी है तो हम यहाँ पर कौन सा फीचर का उपयोग करेंगे। आगे क्या आपके पास कि कई संख्याओं में से अधिकतम मान वाली संख्या प्राप्त करने के लिए रिक्त स्थान का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है भाई, कई संख्याओं में से अधिकतम मान की संख्या प्राप्त करने के लिए, ये आपको बताना है। आगे क्या कह रहा है भाई कि टेलनेट एक नेटवर्क है, वो कैसा नेटवर्क है, ये आपको बताना है। आगे ईमेल का पूरा नाम बताना है। तो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यही होता है ईमेल का पूरा नाम, इलेक्ट्रॉनिक मेल यही होता है भाई। तो आप ईमेल का पूरा नाम रिक्त स्थान में आसानी से बता सकते हो। आगे हमारे पास क्या है भाई कि मेल शरीर को दिखाता है, क्या दिखाता है, ये आपको रिक्त स्थान में बताना है। आगे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि माउस एक आउटपुट उपकरण है, ट्रू और फॉल्स बताना है भाई, सत्य और असत्य आपको बताना है। तो माउस कैसा उपकरण है भाई, एक आउटपुट उपकरण है, सत्य या असत्य ये आपको बताना। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सिस्टम है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हमें डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को रिसाइकिल बिन में संग्रहित किया जाता है, सत्य या असत्य ये आपको इनमें बताना है। आगे क्या भाई, समीक्षकों से फाइल को सुरक्षित रखने के लिए फाइल में पासवर्ड डालना आवश्यक नहीं है, क्या ये सत्य या असत्य ये आपको बताना है। आगे, आप एक शब्द को निकालने के लिए कस्टम शब्दकोश का उपयोग नहीं कर सकते। आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है भाई कि एक्सेल का उपयोग करके वर्कशीट में तैयार डाटा रिकॉर्डों का उपयोग मेल मर्ज के लिए डाटा स्रोत के रूप में नहीं किया जा सकता। तो इन क्वेश्चनों में आपको बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। आगे हमारे पास क्या है भाई, हमें क्या कह रहा है कि वर्कशीट प्रिंट करने के लिए एडिट बटन पर क्लिक करो, क्या सत्य है क्या या असत्य ये आपको बताना है। आगे, ऑटोफिल सन्निकट सेलों के समूह की सामग्री को जोड़ने में सहायता करता है। तो भाई ऑटोफिल सन्निकट क्या करता है भाई, ये आपको बताना है, क्या ये सेलों को जोड़ने में सहायता करता है या नहीं, ट्रू या फॉल्स ये आपको बताना है। तो आप इजीली इसे कर सकते हो। आगे हमारे पास क्या है भाई, फॉर्मेट पिक्चर छवि के गुणों की एक अलग विंडो में प्रदर्शित करता है, लाइन चार्ट डाटा सीरीज में कुल मान के साथ प्रत्येक तत्व का अनुपात दिखाता है। तो ये हमारे पास दोस्तों 10 क्वेश्चन थे जिनमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। आगे क्या करना है, आपको परिभाषा लिखनी है कि ALU क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए, CPU की परिभाषा, CU की परिभाषा आपको बतानी है। हमारे पास चौथा क्वेश्चन क्या भाई, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, क्या करना है भाई, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है,
नया फोल्डर बनाना, किस प्रकार नया फोल्डर बनता है, आइए टेक्स्ट वर्कशीट में प्रविष्ट करना, टेक्स्ट वर्कशीट में किस प्रकार प्रविष्ट किया जाता है, सभी सेलों को कॉपी या मूव करना, इस पर आपको क्या करनी है भाई, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। आगे हमारे पास पांचवा क्वेश्चन क्या भाई, अंतर बताना है। पांचवे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, अंतर बताना है कि सेव एंड सेव एज में क्या अंतर होता है, स्लाइड व्यू एवं स्लाइड शॉर्टर व्यूज में क्या अंतर होता है, सेव पेज और वेबसाइट में क्या अंतर होता है। आपको कितने अंतर बताने हैं भाई, दो अंतर आपको इनमें बताना है। आगे हमारे पास छठा क्वेश्चन क्या भाई, छठे क्वेश्चन में हमें प्रश्नों के उत्तर देना है कि वर्ड प्रोसेसिंग में कॉपी टेक्स्ट कॉपी कैसे करते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या आपके पास, वर्कशीट में पेज सेटअप करने के चरणों का वर्णन करो। और तीसरा क्वेश्चन क्या आपके पास, पावर पॉइंट में डिजाइन टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। और चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए विभिन्न प्रकार के उपलब्ध कनेक्शनों के बारे में बताइए कि इंटरनेट से कनेक्शन होने के लिए आपको क्या 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 कनेक्शन चाहिए, ये आपको बताना है। आगे सातवां क्वेश्चन क्या है भाई, हमें बताना है कि ये आप कंप्यूटर में कैसे करोगे, एक ईमेल अकाउंट की स्थापना करना है तो किस प्रकार आप एक ईमेल बनाओगे। आगे क्या करना है आपको, इंटरनेट से फाइलें डाउनलोड करना है तो इंटरनेट से आप फाइलें कैसे डाउनलोड करते हो। पावर पॉइंट प्रोग्राम शुरू करना, पावर पॉइंट में किस प्रकार आप एक प्रोग्राम शुरू करते हो। आगे वर्कशीट को प्रिंट करना, किस प्रकार आप एक वर्कशीट को प्रिंट करते हो, ये आपको बताना है कि आप ये कंप्यूटर में कैसे कैसे करेंगे। आगे हमारे पास आठवां क्वेश्चन क्या है भाई, आठवां क्वेश्चन, पावर पॉइंट में आप स्लाइड में पिक्चर बुलेट किस प्रकार डालेंगे, ये आपको बताना है। आप अपने स्लाइड्स में नोट्स किस प्रकार डालते हैं, आप अपने दस्तावेज को कैसे बंद करते हैं, आप अपने दस्तावेजों को प्रिंट कैसे करते हैं, ये आपके पास चार क्वेश्चन है जो आपको बताने हैं। आगे हमारे पास, तो दोस्तों ये हमारे पास आठ क्वेश्चन थे केवल, और ये हमारा पेपर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मैंने आपको ये कंप्यूटर का पेपर बताया, तो मैं आशा करता हूँ कि इस बार आप 100 में से 100 नंबर जरूर 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 लेकर आओगे दोस्तों, क्योंकि अब आपके पास पेपर है, यानी पेपर लगने से पहले आपके पास पेपर आ गया तो आप आसानी से 100% नंबर लेकर आ सकते हो। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर ज़रूर शेयर करो भाई, और सब्सक्राइब करना ना भूले। और यदि आपको इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।